आप ट्रेन में पहली बार सफ़र करने वाले हैं और आपको ट्रेन जर्नी से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं है, तो डोंट वेरी, आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रेन जर्नी से रिलेटेड ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जिससे आप इस वीडियो को देखकर कभी भी कहीं भी ट्रेन जर्नी आसानी से कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज शर्मा और आप देख रहे हैं हाउ टू जंक्शन यूट्यूब चैनल। मिलिए राम और श्याम से, दोनों ही आज पहली बार ट्रेन में सफ़र करने वाले हैं। राम और श्याम दोनों ही ट्रेन आने से 30 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। श्याम को सबसे पहले जनरल टिकट लेना होगा क्योंकि उसने पहले से कोई भी ऑनलाइन या फिर काउंटर पर जाकर रिजर्वेशन नहीं कराया है। वहीं जो राम है हमारा, वो थोड़ा सा स्मार्ट है और वो पहले ही रिजर्वेशन करा चुका है, जिससे उसकी ट्रेन में एक सीट कन्फर्म हो गई है। राम ट्रेन आने से पहले अपने फ़ोन को निकालता है और अपने फ़ोन में बियर इज माई ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेता है और उसके बाद यहाँ पर अपने स्टेशन को और अपने डेस्टिनेशन स्टेशन को डालकर सर्च करता है और उसके बाद अपने ट्रेन की जानकारी ले लेता है। राम को ये पता लग चुका है कि उसकी ट्रेन कितने समय में आने वाली है और कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी। भाई श्याम के पास कोई मोबाइल नहीं है तो उसे इसकी जानकारी प्लेटफॉर्म पर लगे नोटिस बोर्ड से ही लेनी होगी या फिर वो स्टेशन पर लगे हेल्प डेस्क पे जाकर भी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। अब दोनों को ये पता लग चुका है कि उनकी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आ रही है, तो दोनों ही अपने प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएंगे जिस भी प्लेटफॉर्म पर उनकी ट्रेन आ रही है। तो ट्रेन आने से 10 मिनट पहले ही राम और श्याम अपने प्लेटफॉर्म पर पहुँच चुके हैं। राम के पास यहाँ पर रिजर्वेशन का टिकट है, तो राम अपने टिकट में देखेगा उसका कौन सा कोच नंबर है, तो वो यहाँ पर जो स्टेशन पर कोच नंबर के बोर्ड लगे होते हैं उसके हिसाब से अपने कोच के नंबर जो भी होगा उसका वहाँ पर जाकर खड़ा हो जाएगा। वहीं श्याम के पास कोई ऑनलाइन रिजर्वेशन वाला टिकट नहीं है, उसके पास जनरल टिकट है, तो उसे या तो प्लेटफॉर्म के लास्ट में या फिर प्लेटफॉर्म के स्टार्टिंग में जाकर खड़ा होना होगा, क्योंकि जो ट्रेन होती है उस जनरल टिकट डिब्बा होता है वो या तो आगे होता है या पीछे होता है। तो हमारा जो श्याम है पीछे जाकर खड़ा हो जाता है स्टेशन के लास्ट में, क्योंकि उसे जनरल कोच में चढ़ना होगा। हमारी ट्रेन आ चुकी है और श्याम अपने जनरल डिब्बे में चढ़ जाता है। श्याम के लिए जो भी खाली सीट मिलती है जनरल डिब्बे में वो उसमें जाकर बैठ सकता है। अगर उसे कोई सीट खाली नहीं मिलती है तो श्याम को अपना पूरा सफ़र खड़े होकर या फिर किसी तरीके से एडजस्ट करके निकालना होगा। वहीं राम जब अपने कोच में चढ़ता है तो उसके पास पहले से ही रिजर्वेशन वाला टिकट है, तो उसके कोच नंबर के साथ उसके टिकट में एक सीट नंबर भी मिलती है, तो राम अपनी सीट पर जाकर बैठ सकता है। राम और श्याम दोनों ही ट्रेन में चढ़ चुके हैं और हमारी ट्रेन जो है डेस्टिनेशन स्टेशन के लिए निकल चुकी है। राम के पास मोबाइल है, तो राम अपने मोबाइल में वेयर इज माई ऐप में अपनी ट्रेन की लाइव लोकेशन को चेक करता रहेगा, जिससे उसे एग्जैक्ट स्टेशन का पता लगता रहेगा और ट्रेन कब तक उसके स्टेशन पर पहुंचेगी इसकी जानकारी भी मिलती रहेगी। वहीं श्याम के पास मोबाइल नहीं है, तो उसे किस स्टेशन पर पहुंचे इसकी जानकारी अपने आसपास बैठे लोगों से लेनी होगी या फिर ट्रेन जिस भी स्टेशन पर रुकती है उस स्टेशन पर खिड़की से बाहर उसे स्टेशन का नाम पढ़कर उसकी जानकारी लेनी होगी। राम के पास टीटी टिकट चेक करने आता है, तो राम को अपना ऑनलाइन रिजर्वेशन वाला टिकट दिखाना होगा। वहीं श्याम के पास बाई चांस ही कोई टिकट चेक करने आ सकता है, अदरवाइज श्याम के पास जो जनरल डिब्बा है उसमें कोई के लिए टीटी नहीं जाता है। हमारी ट्रेन जो है डेस्टिनेशन स्टेशन पर पहुँच चुकी है और राम और श्याम दोनों ही अपनी ट्रेन से बाहर आ चुके हैं। दोनों को अभी भी अपना टिकट संभाल कर रखना होगा, क्योंकि स्टेशन से निकलते समय कभी भी उन्हें अपना टिकट चेक कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। राम और श्याम स्टेशन से बाहर आ चुके हैं और दोनों ही अपनी मंजिल के लिए निकल चुके हैं। आशा करते हैं इस शॉर्ट स्टोरी से आपको ट्रेन जर्नी से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बातें कर लेते हैं जो आपको ट्रेन जर्नी से रिलेटेड ध्यान रखनी होंगी। तो सबसे पहले तो अगर आपने ऑनलाइन रिजर्वेशन कराया अपने टिकट का और वहाँ पर आपका टिकट वेटिंग दिखा रहा है और ट्रेन आने तक आपका टिकट कन्फर्म नहीं होता है, तो ऐसे में आपको अपना जनरल टिकट लेकर जनरल डिब्बे में ट्रैवल करना होगा और जो आपने ऑनलाइन पेमेंट किया था अपना रिजर्वेशन करते समय, तो जिस माध्यम से पेमेंट किया है उसी में आपका पेमेंट रिफंड आ जाएगा 2 से 4 दिन में। वहीं अगर आपने स्टेशन से अपना टिकट रिजर्वेशन कराया है तो ऐसे में आपका टिकट अगर वेटिंग में भी होता है तब भी आपको जनरल टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कन्फर्म नहीं होता टिकट तो आप उसी टिकट के माध्यम से जनरल कोच में बैठकर जा सकते हैं या फिर टीटी से बात करके कोई सीट खाली होती है तो अपने लिए एक सीट भी अरेंज करवा सकते हैं। अगर आपके पास जनरल टिकट होता है और आपकी ट्रेन छूटने वाली है तो आप किसी भी स्लीपर या फिर एसी वाले डिब्बे में चढ़ सकते हैं। बाकी जब भी नेक्स्ट स्टेशन आता है तो जल्दी से आप अपने जनरल डिब्बे में जा सकते हैं उतर के, तो एक स्टेशन तक आप दूसरे कोच को भी बोर्ड कर सकते हैं अगर आपकी ट्रेन छूटने वाली है तो। अगर आप रिजर्वेशन वाले डिब्बे में सफ़र कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम एक फ़ोटो आईडी आपके पास होनी चाहिए, लाइक आपका आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, क्योंकि कई बार टीटी आपसे आपकी आईडी कंफर्म करने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो जाता है एक कोच में एक नाम के एक से ज़्यादा लोग हो जाते हैं, तो उस केस में
उनकी आईडी वेरीफाई करना पड़ती है, तभी कंफर्म होता है ये सीट किसकी है। तो आपको कम से कम एक आईडी अपने पास रखनी चाहिए रिजर्वेशन वाले डिब्बे में। अगर आपने अपना रिजर्वेशन ऑनलाइन कराया तो आपको उसका जो टिकट है उसे रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जो टिकट आपने किया उसकी पीडीएफ दिखा सकते हैं, या फिर जो आपका ट्रेन का सीट कंफर्म हुई है उसका आप स्क्रीनशॉट भी दिखा सकते हैं। भाई अगर आपने स्टेशन से टिकट बुक कराया है तो आपका जो टिकट की फिजिकल कॉपी है उसे रखना आपके लिए मैंडेटरी है, वो आपको टीटी को दिखाना पड़ेगा। तो आई थिंक हमने ट्रेन जर्नी से रिलेटेड सभी जानकारी को कवर कर लिया है। एक बार मैं आपको समराइज करूँ तो आपको जब भी कहीं जाना होता किसी ट्रेन से तो 30 मिनट पहले आपको स्टेशन पर पहुंचना है। आप चाहें तो भैरजमाई ऐप पर जाकर अपने ट्रेन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, इससे आपको पता लग जाएगा ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आ रही है। यहाँ पर जो बोर्ड लगाते हैं उस पर भी आपको मिल जाएगा ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर और कितने समय में आ रही है। तो आप उस प्लेटफॉर्म पर पहुँच जाएंगे। उस प्लेटफॉर्म पर पहुँचने के बाद अगर आपके पास जनरल टिकट है तो आप लास्ट में या शुरू में जाकर बैठ सकते हैं, जो भी जनरल कोच होता है। अगर आपके पास रिजर्वेशन वाला कोच है तो नोटिस बोर्ड को आपको देखना है आपका कोच कौन सी जगह पर आया, वहाँ पर जाकर आप बैठ सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। ट्रेन में बैठने के बाद यहाँ पर टीटी कभी भी टिकट चेक करने आ सकता है, तो टिकट संभाल के रखना है। उसके बाद जब भी आप डेस्टिनेशन स्टेशन पर पहुंच जाते हैं उसके बाद भी जब तक आप स्टेशन से बाहर ना आ जाएं तब तक आपको वो जो टिकट है वो संभाल कर रखना है। स्टेशन पर आपका टीटी कभी भी टिकट चेक कर सकता है, टिकट ना होने पर आपको जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी आपको पड़ सकता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। बाकी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ट्रेन जर्नी से रिलेटेड कुछ भी रह गया हो तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी आपकी ट्रेन जर्नी का पहला सफ़र कैसा रहा उसका एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।